बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु बटी वास्तविक आयु गुणा में 100। क्वेश्चन नंबर 18, विपिन एक दिवा स्वपन दृष्टा पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखने वाला अपने विचारों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने में असमर्थ अमिलनसार और आदर्शवादी बालक है, तब उसके व्यक्तित्व का प्रकार है तो वह अंतर्मुखी है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी है? शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा दी है सी एच जुड ने यह परिभाषा दी है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है और वह 15 वर्ष की आयु वाले बालक के लिए बनाया गया बुद्धि परीक्षण हल कर सकता है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो उसकी बुद्धि लब्धि हमें कैसे निकालनी पड़ेगी? IQ बराबर है 15/, वास्तविक आयु हमेशा नीचे रहेगी, इंटू 100, 3×12, 3×15, 125 वर्ष रहेगी। सृजनात्मकता में मूल रूप से निहित है, यानी क्रिएटिविटी में मूल रूप से क्या निहित है? अभिसारी चिंतन, सहचर्यात्मक चिंतन, अपसारी या फिर प्रतिबिंबात्मक, इन दोनों में से कुछ भी है नहीं। अभिसारी और अपसारी में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। अपसारी और अभिसारी, अभिसारी का मतलब है एक बिंदु से बहुत सारे बिंदु निकलना, तो यह हमारा हो जाएगा अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 22, सृजनात्मकता अनुसंधान में अग्रणी थे, यानी जो क्रिएटिविटी रिसर्च है इसमें सबसे ज़्यादा अनुग्रणी कौन थे? वो थे हमारे गिलफोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास हमेशा रेखीय होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विकास हमेशा रेखीय होता है, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होता, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि नहीं है, नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं है। विकास की सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये बिल्कुल राइट है, सभी की विकास दर समान नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 24, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी का अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ने और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं, तो यह खालिस्तान पर आधारित है। यह किस पर आधारित है? यह पुनर्बलन का सिद्धांत, अधिगम के सक्रिय अनुबंध, ये तो है ही नहीं, अधिगम के शास्त्रीय ज्ञान का निर्माण। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लग जाता है, तो यह संवेगात्मक दुश्चिंता है, अजनबी वियोग या फिर सामाजिक दुश्चिंता? संवेगात्मक नहीं है, अजनबी भी नहीं है, तो यह वियोग दुश्चिंता। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, अपनी माँ से अलग करने या अजनबियों द्वारा उठाए जाने पर नवजात शिशु द्वारा व्यक्त किया जाने वाला डर वियोग दुश्चिंता कहलाता है।